Hi guys, welcome to Ankita Vlogs. मैं हूँ Ankita and I hope you're doing well. आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक review video जो है डायपर बैग का. मेरे इंस्टाग्राम पे ढेर सारे पोस्ट और स्टोरीज जो लोग देखते रहते हैं आप लोगों में से, वो हमेशा मुझसे सवाल करते रहते हैं कि मैं आदिशी के लिए कौन सा बैग यूज़ करती हूँ. अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में हम लोग आदिशी के लिए एक दूसरा बैग यूज़ करते थे एज अ डायपर बैग, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बच्चे के लिए आपके पास एक प्रॉपर बैग होना ज़रूरी है, एक अलग बैग. सो उस अलग बैग के लिए हम एक दूसरी कंपनी का बैग यूज़ करते थे जो कि स्टार्टिंग में 4-5 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से ठीक था. लेकिन उसके बाद क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीड पे होता है तो फिर भी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लेकिन धीरे 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 प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है क्योंकि सामान आपको ज़्यादा 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 रखते रहना पड़ता है. सो आशीष की एक फ्रेंड, उन्होंने हमें ये बैग जो है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये सजेस्ट किया था. सो हमने इस बैग को परचेस किया था और ये जो बैग है बहुत अच्छा है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बैग. सो ये है हमारा Vismiintrend का डायपर बैग. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बैग है ये, बहुत ही शानदार बैग है जिसका मैं रिव्यू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और मेरे बहुत सारे पिक्चर्स, मैं आपको अभी आपको स्क्रीन पे भी पिक्चर्स दिख रही होंगी, मैं बहुत सारी जगह, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो इस बैग को लेकर जाती हूँ. स्पेशली जब मैं आदिशी को लेकर अकेले कहीं जाती हूँ तो ये बैग हमेशा मेरे साथ होता है. काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है, इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है और आपका जो भी सामान है ना उसे एकदम सही तरीके से व्यवस्थित जमाने के लिए ये बेस्ट है. क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप कहीं जा रहे हो और एकदम से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर आप सोचो ना कि मैं एक ही झोले में सब कुछ भर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे को एकदम क्विकली वो चीज़ चाहिए, वो रो रहा है और उस वक्त आप चीज़ें उसमें से ढूंढ रहे हैं. सो इस बैग की अच्छी बात ये है कि इस बैग में सभी चीज़ें एकदम परफेक्टली रखी जा सकती हैं, हर चीज़ के लिए अलग सेक्शंस हैं, तो मेरे हिसाब से ये बैग काफ़ी अच्छा है. सो अब मैं आपको एकदम आराम से बताती हूँ कि इस पूरे बैग में क्या क्या है. तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस बैग की इम्पोर्टेंस क्या है. सो गाइज, ये है हमारा बैग. सो मैं आपको जल्दी से सब कुछ बता देती हूँ कि कैसा है ये पूरा बैग अंदर से और बाहर से. तो सबसे पहले से अगर बैग की बात मैं करूँ तो ये पूरी तरह से जो है वाटरप्रूफ है. आप इसके ऊपर से अगर पानी अभी डाल भी देंगे तो अंदर जो सामान है वो गीला बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है. दूसरी चीज़, ये जो हैंडल्स दिए हैं ये डबल ग्रिप हैंडल्स हैं तो आपको पकड़ने में काफ़ी अच्छा रहता है. साथ ही ये जो पीछे है ये आपको बैकपैक वाला भी देते हैं और ये आपको हैंडबैग वाला लुक भी देते हैं. सो दोनों चीज़ें हो जाती हैं. साथ ही साथ इसकी जो ये चेन है ये गोल्डन सिल्वर चेन है. सो ये जो है ना ये पूरे बैग में इसी तरह की चेन है तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम लुक देगी. तो इस तरह से इसका जो बाहरी हिस्सा है जो ये है, इसके साथ एक चीज़ और है इसमें और वो है ये वाले जो बेल्ट है. इसके साथ अभी फिलहाल में मैंने नहीं लगा रखा है क्योंकि आदिशी को मैं स्ट्रोलर में नहीं रखती हूँ, बट इसके साथ में ना यहाँ पर एक आपको साथ में बेल्ट आता है जिससे आप इसको स्ट्रोलर में आसानी से इस तरह से पुल कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सारी ये जो चेन्स है इनमें क्या क्या है. तो सबसे पहले हम यहाँ पहले वाली चेन से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो है आपको 3 पॉकेट मिलते हैं. ये जो तीनों पॉकेट्स हैं ये इनमें आप बॉटल रख सकते हैं, ये दूध की बॉटल या पानी की बॉटल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर जो है दूध की बॉटल रखी हुई है. ये जो पॉकेट्स हैं इनकी अच्छी बात ये है कि ये इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं, यानी कि आप इसके अंदर दूध पानी जो भी अपने बच्चे के लिए रख रहे हैं उस वो जो है जिस भी टेम्परेचर पर रहेगा वो टेम्परेचर ये कंट्रोल करेगा, ये अच्छी बात है. तो मैंने यहाँ पर एक बोतल रखी है और बाकी में मैंने विक्स और आदिशी के जो नोज में डालने के लिए जो ड्रॉप्स रहती है वो रखी है, क्योंकि मुझे इनकी रेगुलर जरूरत पड़ती रहती है तो मैंने यहाँ पर इस पॉकेट को ये चीजों के लिए यूज करती हूँ. इसके साथ यहाँ पर मुझे जाली वाला पॉकेट मिला हुआ है, सो मैंने यहाँ पर जो है एक हैंकी रखा है जो यूज टू है, आगे मुझे जल्दी से मिल जाता है. आदिशी का गॉगल है और साथ ही उसके कुछ क्लिप्स हैं जो कि कई बार वो फेंक देती है तो काम आ जाते हैं. सो ये एक जो है पॉकेट हमारा ये यहाँ पर हम लोग पैक कर देते हैं, तो ये एक हो गया है पॉकेट. उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी आपको एक सुविधा इसमें दी हुई है कि यहाँ पर आप यहाँ से टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं. तो यहाँ मैंने क्या किया है, ड्राई वाले टिश्यू पेपर रखे. तो ड्राई वाले टिश्यू पेपर रखने से कि आप
कुछ भी काम कर रहे हैं तो एकदम से आप यहाँ से निकाल कर और हाथ वाथ पोछने के काम में ले सकते हैं, तो ये काफी यूज टू हो जाता है ये पॉकेट भी। दूसरी साइड हमें मिलता है एक और पॉकेट। अभी चूंकि अधिशी अधिकतर दूध पीती है, ट्रेवल में उसे दूध लगता ही है, सो मैंने यहाँ पर ये थर्मस रखा हुआ है, और अगर आपको थर्मस नहीं रखना है तो आप यहाँ पे पानी की बॉटल भी रख सकते हैं। तो ये वाला पॉकेट, और ये एडजस्टेबल है तो इसलिए ये काफी अच्छा काम करता है। उसके बाद ये पीछे की साइड भी आपको दो पॉकेट और मिलते हैं। ये वाले पॉकेट के बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इस पॉकेट में क्या है। और एक पॉकेट आपको यहां मिलता है, ये देखिए इसमें इतना सारा स्पेस है, मेरा पूरा हाथ अंदर चला गया, मतलब पूरा एक हथेली बराबर का स्पेस है। तो यूजुअली मैं यहाँ पर अपने कार्ड्स और पैसे साथ में रखती हूँ, तो इससे ये होता है कि मुझे एक्स्ट्रा अलग से पर्स ले जाने की जरूरत नहीं होती और यहाँ पे सामान आ जाता है। तो ये हो गया पीछे का साइड और आगे का साइड। अब हम बात करते हैं अंदर की। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम खोलते हैं, और ये देखिए इसमें ये दोनों साइड में वायर लगे हुए हैं, तो इससे ये होता है कि आपको ये पूरा जो होता है जब भी आप कुछ सामान के लिए निकाल रहे हैं तो ये ऐसा कैसे यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये इधर गिर रहा है या उधर गिर रहा है, इस टाइप की चीजें नहीं होगी आपके साथ। तो ये है अंदर से इसका पूरा लुक। तो इसमें जो है अंदर भी बहुत सारे खंड दिए हुए हैं, साइड में इधर रखा हुआ है, तो मैंने इसमें जो है अधिशी की पानी का सिपर रखती हूँ यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर और सामान आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस बैग को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रेवल में कई बार यहाँ ऊपर तक सामान होता है, नॉर्मली अगर हमें प्रॉपर मुझे पुणे में ही कहीं जाना होता है तो कम सामान होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर अधिशी का जो है बॉडी लोशन साथ में रखा हुआ है, और अब मैं आपको अंदर की चीजें दिखाती हूँ कि इसमें कितना स्पेस है। ये दो नाश्ते के बॉक्स हमेशा मैं साथ में रखती हूँ तो वो है। उसके अलावा अधिशी के टॉय, हमेशा आपको बच्चे के टॉय साथ में रखना ही चाहिए, सो टॉयज हैं। और है अधिशी की एक जो ड्रेस, क्योंकि अगर बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं तो ये उस वक्त काम आती है। आप चाहे तो दो जोड़ भी रख सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें। साथ ही इसमें यहां भी स्पेस है, लेकिन मैंने इस स्पेस को यूज अभी नहीं किया है, बट जब ज्यादा सामान होता है या कुछ दवाइयां मेडिसिन होती हैं तो मैं इन पॉकेट्स में उन्हें रख लेती हूँ। इसके बाद ये नीचे चेंजिंग मैट और वाइप्स और डायपर, तो इस तरह से ये पूरा नीचे तक पूरा सामान इसमें आसानी से आ जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती आपको। काफी स्पेशियस है पूरा बैग, और आपको किसी भी तरह का कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई सामान मिल नहीं रहा है, सब कुछ एकदम सेट रहता है, इधर उधर मिलता जुलता नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा बैग हो जाता है। आप चाहें तो इसे पूरा ऊपर तक भी भर लेंगे, तो भी जैसा मैंने आपको कहा ये वाला वायर सिस्टम होने की वजह से किसी भी तरह का आपको बैग पैक करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। और अब आते हैं हम इसके एकदम स्पेशल वाली चीज से, जो चीज मुझे इस बैग में सबसे ज्यादा पसंद है, और वो है ये नीचे वाला पॉकेट। ये पॉकेट भी कह सकते हैं आप इसको, और बैग का एक हिस्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही थी कि मैं लास्ट में बताऊंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप इस पॉकेट को खोलते हैं तो ये पॉकेट आपको कहाँ ले जाता है, सीधा अंदर, यानी इसी बैग के अंदर निचले वाले हिस्से में। यानी कि आप सबसे नीचे डायपर और वाइप्स रखिए और चेंजिंग मैट रखिए। चेंजिंग मैट रखने से ये होगा कि जब भी आपको जरूरत है आप यहीं से ये चीजों को निकाल सकते हैं, यूज कीजिए और वापस यहां रख दीजिए। तो ये होगा कि निचले हिस्से के लिए आप ये वाली चेन को यूज कीजिए, और ऊपर वाले हिस्से के लिए आप ये वाली चेन को यूज कीजिए, तो आपके दोनों काम आसान हो जाएंगे। इसके साथ आपको यहां पे भी एक पॉकेट मिलता है। ये पॉकेट पूरी तरह से प्लास्टिक का है, इसकी अच्छी बात यह है। तो आप क्या करते हैं इसमें, मैं बताती हूँ आपको। आप इसमें नॉर्मली तो जो आपको रखना है आप गीले नैपी रख सकते हैं, जो कपड़े वाले आते हैं वो, और मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ कि जब भी आप वाइप यूज करते हैं आपके पास जरूरी नहीं है कि उस वक्त फेंकने के लिए डस्टबिन हो या आपके पास कुछ और कुछ हो, सो वाइप को या टिश्यू पेपर को यूज करके यहां रख सकते हो, बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका कोई सामान गंदा नहीं करेगा। सो इस तरह से ये है हमारा पूरा एक डायपर बैग। सो गाइस, ये था हमारा विस्मिंट्रेंड का डायपर बैग का रिव्यू वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी हेल्प करेगा आपके बेबी के लिए सही डायपर बैग को चुनने में। मैं इस जो वेबसाइट है विस्मिंट्रेंड की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर एंड डिस्काउंट्स भी हैं। ये जो वेबसाइट है इसकी एक और मैं अच्छी बात बता दूं आपको, मॉमीज स्पेशली, कि इस पर डायपर बैग के अलावा आपको स्लिंग बैग, हैंड बैग,
बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने रिसेंटली अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में एक स्लिंग बैग जो मैंने अभी मंगवाया है वो आपके साथ शेयर किया है, सो आप वो भी ले सकते हैं। और अभी वैलेंटाइन डे के बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो डैडीज आप मॉमीज को बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और मॉमीज एंड डैडीज के भी काम में आ सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आगे और कौन कौन से व्लॉग और वीडियो आने वाले हैं, और साथ ही साथ छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप जो मैं आपके साथ स्टोरीज में शेयर करती हूँ वो आप तक पहुँच सके। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।